दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में हम सभी उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिला कियारा सदर प्रखंड के ऐतिहासिक भगुरा गांव में और जहां पर भगवान कृष्ण का बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर भी है और यहां पर गोवर्धन पूजा भी बहुत श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। तो आइए एक बार भगवान कृष्ण को याद करते हुए, हम सब के भीतर भगवान कृष्ण का खून बह रहा है तो हम सबको भगवान कृष्ण के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो कृष्ण जैसा योग करते थे, जैसा भोजन करते थे, उसी प्रकार का मेरा आचरण हो, भोजन हो और मेरे विचार हो तो हम लोग भी कृष्ण की तरह हम लोग जीवन जी सकते हैं। तो सभी आंखें बंद कर लीजिए ध्यान मुद्रा में और लंबी गहरी सांसों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री आदि मंत्रों का जाप करते हुए योग रूपी गंगा में स्नान करने की यात्रा प्रारंभ कर देंगे। तो आइए सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारूपमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सदन्वय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मान्मृतमुगमय। ॐ शर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब हम भगवान सूर्य की रोशनी में बैठते हैं प्रातः वेला में तो हमको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति होती है जिससे हमारा शरीर सबल होता है। इसलिए प्रातः वेला में भगवान सूर्य के सामने योग का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना हम सब के लिए बहुत ही उत्तम है। तो आइए हम सब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं।